वेलकम फ्रेंड्स, एक नई उम्मीद के साथ आपकी सीटेट की एक और क्लास। देखिए, आज की क्लास में जो हम लोग सवाल शामिल करेंगे वो आपकी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो कि आपकी प्रीवियस सीटेट की परीक्षा में आ चुके हैं और टेट की परीक्षा में भी आए हैं, चाहे वो झारखंड टेट की परीक्षा हो, हरियाणा टेट की हो, यूपी टेट की हो या बिहार टेट की हो। और हाँ, एक बात, अगर आप टेट की परीक्षा नहीं देने वाले हैं तो एसएससी और आरआरबी के एनटीपीसी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम सभी परीक्षाओं में लगभग आता है। तो इस क्लास को सभी लोग देखेंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। ध्यान दीजिएगा, आज के जो हमारे सवाल होंगे कुछ इस टाइप के होंगे, मतलब इनका एक सैंपल देख लीजिए, इधर साइड में ऐसे ही आएंगे। इनको अगर आप सिंपल तरीके से जोड़ते हैं तो ये आपको बहुत पका देते हैं, लेकिन अगर आप इनमें थोड़ा सा सूझबूझ दिखाते हैं ना तो ये बहुत मजेदार बन जाते हैं। तो बिल्कुल आज हम आपको एकदम मजेदार करके दिखाने वाले हैं। पहले हम इनसे आपका परिचय करवाते हैं। जब दी गई संयुक्त संख्याओं में, संयुक्त संख्या के जोड़ में मतलब जानते हैं, मिश्रित भिन्नों के जोड़ में हर यानी कि बराबर हर वाली भिन्न हो तो पूर्ण संख्याओं को अलग एक साथ तथा बराबर हर वाली भिन्न को एक साथ करके जोड़ दिया जाता है। मतलब ये कि पहला नंबर तो आप जानेंगे संयुक्त भिन्न क्या होती है, समान भिन्न क्या होती है, असमान भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, इसके लिए आप जीरो लेवल ग्रेड देखेंगे, कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं यहां नहीं बताने वाला हूं, इसमें आप लोग टीचर बनने वाले हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह का सवाल हो, इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा जल्दी में, ए सही बी बटा सी धन डी सही ई बटा एफ धन जी सही एच बटा आई धन डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के अगर सवाल दिए हो तो हमारी ट्रिक होती है इनको 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 अलग जोड़ लो। सिंपल सी बात है, ए धन डी धन जी इनको अलग जोड़ लीजिए और धन ये बी अपान सी धन ई अपान एफ और ये एच अपान आई इनको अलग जोड़ लीजिए। समझ गए ना, मतलब जो आगे लटके होते हैं इनको अलग जोड़ लेते हैं, बाकी जो भिन्न है उनको अलग जोड़ते हैं, यही हमारा तरीका है शॉर्टकट का। समझ गए? देखिए, तो हमने किया क्या यहां पे, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग जल्दी करें, नहीं लिखना तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है, कोई भी कमी नहीं है। अगर जो आप लोग अभी कमेंट कर रहे हैं आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप क्वालिटी अच्छी करके देखेंगे तो बिल्कुल मस्त दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब ये हम अलग जोड़ लेंगे वही जैसे अभी हमने आपको दिखाया। ये देखिए, तीन सात दस एक ग्यारह, ग्यारह पांच सोलह, दुई अठारह के आठ हासिल आया, एक दुई तीन, तीन छह सात आठ, कितना आया, अठासी आया। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो कमेंट करिएगा। और ये हर समान है, देखिए नीचे चार चार है, अंश अंश जुड़ जाएगा, तीन में एक जुड़ेगा चार और ये बनेगा चार बटा चार, ये कट पिट के एक आ जाता है। समझ गए ना, ये भूल कतई मत करिएगा कि यहां जीरो लिख दें, कटने के बाद कभी जीरो नहीं आता है, समझ गए ना। तो यहां वन आएगा, प्लस सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा, वन आएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन थ्री। समझ गए ना, जल्दी से इतना लिख ले तो फिर हम आपको एक दूसरी जादू बताते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए, शॉर्टकट क्या है, इसको जोड़ लीजिए पहले चुपके से अलग, अठासी में दो जोड़ेंगे हो जाएगा नब्बे और ये बन जाएगा धन दुई बटा तीन। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। मैं आपको साठ में बता दूं, अगर कहीं इस तरह का आता है तो आप इसे सिंपल में नब्बे सही दुई बटा तीन भी लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये प्लस कहां गया, मैं आपको दिखाता हूं कहां गया, चलिए देखते हैं, उत्तर तो आ गया इधर। क्रॉस मल्टीपल करिए नियम के अनुसार, तीन नवा सत्ताईस ये हो जाएगा दुई सौ सत्तर धन दुई नीचे तीन, ये बन जाएगा दुई सौ बहत्तर बटा तीन। अब दुई सौ बहत्तर में तीन से भाग करिए इधर देख के, ये देखिए तीन का भाग करेंगे तीन नवा सत्ताईस, दुई सौ सत्तर घटा लिया जीरो आया, क्लियर, ऊपर से दो उतार लिया, तीन का भाग क्या दो में जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, लेकिन बिना भाग लिए इसमें कर लिए कल्याण नहीं होगा, तो भाग जाएगा जीरो बार, तो ये जीरो जाएगा और फिर क्या आएगा, दो आ जाएगा। अब इसमें जीरो बार भाग नहीं ले जाएंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, नब्बे सही दुई बटा तीन। चाहे तो आप इसको इतना करें, ये सब करें, या फिर यहीं पर डायरेक्ट क्या करें, उत्तर लिख दें। समझ गए ना,
अगले क्वेश्चन में ट्राई करिएगा, अगर इस तरह का आता है तो ठीक है ये ट्रिक है, नहीं आता है तो फिर कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, तुरंत इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए नए जुड़े हैं तो। ये मैं दिखा देता हूं पूरा, ठीक है ना। अभी कुछ क्लास में आपके जो दिक्कत हो रही थी वो दूर हो चुकी है। दूसरा सवाल देखिए, इसका जवाब क्या आएगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें सोच करके। अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, अगर कोशिश नहीं करते तो और अच्छा होगा, लेकिन और अच्छा मत करिएगा, कोशिश जरूर करिएगा। हो गए सभी के कमेंट्स? देखिए अगर कमेंट हो गए आपके तो मैं आगे आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आगे लगे हुए अंक होते हैं उनको अलग जोड़ लेते हैं, बाकी भिन्नों को अलग जोड़ लेते हैं। तो सिंपल में वैसे ही करना है, तीन को अलग कर लेना है आठ को, और फिर ये सात को और ये नौ को, और धन अंदर में इन भिन्नों को जोड़ लीजिए, पांच बटा सात, धन तीन बटा पांच और धन दो बटा सात। लेकिन यहाँ पे आपको एक परेशानी हो रही होगी, वो क्या कि ये बड़ा अड़बड़ हो गया, अड़बड़ मतलब ये गड़बड़ हो गया। कैसे? देखिए ये जो एक समान हर वाले हैं उनको इकट्ठा लिखिए, पांच बटा सात धन दो बटा पांच, ये अलग है, ये दो बटा सात, इसको इकट्ठा लिखते हैं। पांच बटा सात धन क्या लिखेंगे? दो बटा सात। इससे क्या होगा, हमें एक फायदा होने वाला है, उसको देखिएगा, उसका आधा हिस्सा आपको भी मिलेगा। और ये तीन बटा पांच और धन ये दो बटा पांच, आप समझ गए ना, बिल्कुल फायदा होने वाला है। अगर हम इसको बिना किसी तरकीब के लिख देंगे ना तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा इसको। देखिए इसको जोड़ दीजिए, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह में सात जोड़ेंगे जानते हैं ना अठारह होगा, अठारह में नौ जोड़ देंगे तो अठारह दो कितना होगा बाईस, बीस और सात सत्ताईस धन। सिंपल सी बात है, पांच में दो जोड़ेंगे सात हो जाएगा, काहे जोड़ेंगे, क्योंकि हर हर बराबर है, हर को बोलते हैं डेनोमिनेटर, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, थोड़ी इंग्लिश हमें भी आती है। देखिए तो ये जुड़ जाएगा तो कुल मिला के हल करने पे एक आएगा, और वो दूसरा वाला भी एक आएगा, कुल मिलाकर के आपका उत्तर जो है ना बाबू वो 29 आएगा। कुछ लोगों को काफी दिक्कत हो रही होगी ये सब एक एक कैसे कर दिया, है ना। आपने जीरो लेवल क्लास नहीं देखा होगा, ये देखिए पांच बटा सात धन दो बटा सात ये कैसे एक आता है। सिंपल सी बात है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, अगर हर हर बराबर होता है तो अंश अंश को जोड़ लिया जाता है, तो अंश अंश जोड़ने का मतलब पांच में दो जुड़ेगा तो सात हो जाएगा, और नीचे जो अंश है वो तो रहेगा ही, सात से सात कट जाएगा तो एक बटा एक आएगा, जिसे आप एक बोलते हैं, समझ गए ना। जल्दी से छाप लें फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल जो भी लिए हैं उसी में जल्दी करें। अगर आप नहीं लिख पाते तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से लिखिएगा, वरना स्क्रीन पर टच करें और वीडियो को वहीं पर रोक दें। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर टीवी में देख रहे हैं तो कृपया क्वालिटी को 720 या 1080 पिक्सल पर कर लें, जिससे एकदम क्लियर दिखे। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तब भी 480 कम से कम कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे सफर बढ़ाते हैं। दूसरा टाइप के कैसे सवाल आते हैं इनको जरा गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, यदि मिश्रित भिन्नों से संबंधित जोड़ घटाना में दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न उपस्थित हो, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, जिनका जोड़ मतलब योग यानी कि सम एडिशन जिसे बोलते हैं वो एक आए वन आए, तो उन्हें एक साथ जोड़ लिया जाता है, मतलब जोड़ अथवा घटा लेते हैं। कैसे? अभी हमने आपको बताया था कि एक समान भिन्नों को अलग जोड़ते हैं, असमान भिन्नों को अलग जोड़ते हैं, लेकिन अगर कहीं अपना काम बनता है ना तो फिर ये रूल नहीं फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा, कहावत सुनी होगी, गरज पड़ने पर गधा को भी दादा कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल वैसे ही करते हैं यहां पर भी। ये सवाल देखिए आपके सामने है ना, इसमें कैसे करेंगे? देखिए इसमें दो टाइप के फ्रैक्शन है यानी टू फैमिली शामिल है, इसमें माइनस का भी चिन्ह है और प्लस का भी चिन्ह है, लेकिन इनको एक साथ लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आसानी हो जाती है इस तरह के सवालों में। ये एक सैंपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे आप अपने लिए आजमा सकते हैं। पहले तो आप पुराना ट्रिक लगाएंगे, इन सभी जो आगे लटके हुए इनको अलग कर देंगे, जो भी है आगे इनको अलग कर देंगे, इसमें से खटाखट अलग करके जोड़ लेंगे। फटाफट लिख लें तुरंत, चिन्ह का ख्याल रखना है बिल्कुल। देखिए यहां पे माइनस सवाल में एक जगह था ना, माइनस दस बटे आठ ना,
तो जो ये माइनस आप 10 यहां उतारेंगे ना बाबू, 20 उतार लिया, 10 उतार लिया, लेकिन इधर साइड जब ये 10 आएगा ना तो यहां माइनस के साथ ही आएगा, अपने चिन्ह के साथ आएगा, और ये प्लस 21 हो जाएगा। और फिर ये प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इनको जोड़ते हैं आपस में, और ये बन जाएगा 7/8। और ये देखिए 8 वाला कौन सा है, 1/3 तो है, लेकिन इसको एक साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। मतलब किससे होने वाला है, वो इससे होने वाला है माइनस 5/8 से। और धन इसके साथ देखिए एक और फ्रैक्शन है जो कि इसमें हेल्प करेगा। उन चीजों को अगर आप समझ लिए हो तो मैं इनको मिटा देता हूं बगल में, इनसे कोई मतलब नहीं, इनका काम खत्म, ठीक ना, तो इनको किनारे कर दिए। ओके अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर काम बनता है तो गधा को भी दादा कहा जाता है, ये एक पुरानी कहावत है। उसमें क्या करेंगे, हमने आपको पहले पीछे बताया था कि इनको अलग जोड़ लेंगे, लेकिन इसमें हम 3/4 को भी शामिल करेंगे। ऐसे ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि ये सब घुल मिल के एक हो जाएंगे, मतलब एक आ जाएगा। अगर आप इनको आपस में नहीं मिलाएंगे इनके साथ में तो फिर कुछ और हो जाएगा, और ये 1/3 इसमें मिल जाएगा तो ये काम बिगाड़ देगा, इसलिए इसको बाहर किए रहेंगे। अब देखिए क्यों, वो इसलिए कि इसको जब हम जोड़ेंगे प्लस प्लस, तो देखिए ये हो गया 34, 34 में जब आप इसको जोड़ेंगे 35, 20 हो जाएगा 55, 55 से 10 जाएगा, ये टोटल आएगा 45। इसको जोड़ घटा लीजिएगा, इसमें अब नहीं सिखाना आपको। और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, देखिए इन दोनों भिन्नों के हर एक समान है तो अंत अंश जुड़ जाएगा या घट जाएगा, यहां माइनस है तो घट जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, यानी मैं इसको यहां पे आपको दिखा देता हूं कुछ ज्यादा अच्छा से, ये किसको कितने को दिखा रहा हूं, बस ये वैसे है, ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2 आगे नीचे 8, ये कट जाता है, पुराना नियम होता है 1/4 आता है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, 0 लेवल की क्लास में हम आपको हीरो बनाते हैं इसमें, ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा ना। और फिर ये क्या है प्लस 3/4, मतलब इसकी जगह पे क्या हुआ, ये 1/ क्या आ गया, 1/4 आ गया, कितना, इतना 1/4 आ जाएगा। फिर जो ये 3/4 है ना बाबू, ये यहाँ पे 4 है, नीचे यहाँ भी 4 है, दोनों बराबर है ना, 4/4 होके इनके बदल जाते हैं विचार, और ये जुड़ जाते हैं, 3 कितना हो जाते हैं 4, और फिर कंप्लीटली ये 4/4 आता है, फिर कट के क्या आता है 1। इसी 1 लाने के लिए तो मैंने इनको एक साथ मिलाया था ना, जिससे 1 हो जाए, समझ गए होंगे अब आप लोग बहुत कुछ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब फाइनल हो गया कि ये हो गया क्या 1, और ये 1/3, समझ गए ना, ये जुड़ जाएंगे इनके साथ, हो जाएगा 46, और ये प्लस 1/3, इसे आप लिख सकते हैं 46 सही, और 1/3, बिल्कुल आप प्लस का चिन्ह यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके वो रूल लगाएंगे ना पुराना जमाने वाला, तो लास्ट में यही आएगा, पिछले सवाल में मैंने आपको दिखाया था, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल दिखाता हूं, जल्दी करें, तुरंत लिखें फटाफट, हो गए ना, वीडियो को रोक लें अगर ना लिख पाए तो। देखिए साथी बंधु, अभी तक तो मैंने फैन बंद किया था आप लोगों के लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मैंने चला दिया, क्योंकि क्लास लगभग ख़त्म हो गई है और कुछ सरसराहट आ रही होगी आवाज़ में, है ना, पहले से कुछ अलग होगा। तो ये सवाल नोट कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, अगर आप करके लेके आएंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं करेंगे ना तो आप और अच्छे हैं, तो देखिए आप और ज़्यादा अच्छे बनते हैं या फिर होमवर्क करके आते हैं, जल्दी से नोट कर लें फटाफट, देर ना करें। और हाँ, इनको हल करके व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर दिख रहा है ना उस पर भेजिएगा, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपको जरूर तुरंत रिस्पांस मिलेगा। और ये देखिए मैं आपको छोटे छोटे और मजेदार सवाल दे दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप लोगों की ये बड़ी समस्या होती है ना, अगर ये सवाल आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में, और इनको व्हाट्सएप पर भेजिएगा फोटो खींच करके, अवश्य आपको बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, मैं यहाँ पे चुपके से एक सवाल और दे देता हूँ, नंबर 7। देखिए इसको भी आप लोग जोड़ के लेके आएंगे, मैंने यहाँ पर गागर में सागर भरने वाला थोड़ा सा सवाल दिया है, बहुत ही आसान है, सभी सिंपल से हैं, करेंगे अवश्य, क्योंकि मैथ बहुत अभ्यास मांगता है, अगर आप अभ्यास करते हैं तो बेटर होता है, और नहीं करते हैं तो फिर जन्मे करते हैं आगे क्या होता है, हो गया ना।
तो बस इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, अभी तुरंत 8 बजे से कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के साथ, अवश्य देखिएगा 8 बजे से। याद रखिए 6:45 से आपकी ये विशेष क्लास होती है, और हाँ ये क्लास आप शाम को फिर देख सकते हैं और रात्रि 8 बजे से, 8 बजे से भी आपकी एक मास्टर क्लास होती है जिसमें आपके जो पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं ना वो डीएलएड में भी और सीटेट यूपीटेट में भी आते हैं, मतलब कि ट्रिकी क्लास होती है रात 8 बजे से, सुबह 8 बजे से कक्षा 10 एनसीईआरटी, 6:45 से सीटेट की मैथ, इतना ही नहीं और भी बहुत सी मैथ की क्लास होती है जिसमें जीरो लेवल एक बहुत ही गोल्डन क्लास होती है आपकी 7 बजे से शाम को, हर दिन सुबह 5 बजे से होती थी लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये अप्रैल से क्लास 7 बजे कर दिया गया है, शाम 7 बजे। आप लोग इस क्लास को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करेंगे। इन उम्मीदों के साथ मैं राजकुमार दुमनसी फिर से मिलता हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे से, ठीक है ना, तो अवश्य देखिएगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि आपको अगली क्लास मिल सके, अगर आप इतना नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको अगली क्लास ना मिले। जय हिंद, जय भारत।